ब्रह्मचारी इसी झील के किनारे भूखे प्यासे कई दिनों तक बैठे रहे। उनके दिल में भगवान शिव के दर्शनों की प्रबल इच्छा थी। इस इच्छा पूर्ति के लिए भगवान शंकर की कृपा हो गई। ब्रह्मचारी को माई धर्मो दिखाई पड़ी। ये माई गद्दी जाति से संबंधित स्त्री थी। इस माई को देखकर ब्रह्मचारी बहुत प्रसन्न हुए। बेटा, तुम उदास क्यों हो? इतनी सर्दी में कैसे और क्यों आए हो? सच सच बताओ, आपके आने का कारण क्या है? हे माई, मैं इस माया रूपी संसार को त्याग आया हूँ और भोलेनाथ के दर्शनों की अभिलाषा लिए कैलाश पर्वत पर आया हूँ। यहाँ चारों तरफ यह बांध देखकर और बर्फ ही बर्फ देखकर चिंतित हूँ। मुझे कैलाश पर्वत की शिखर पर जाने का रास्ता नहीं नजर आ रहा। मुझे भगवान शिव के दर्शन अवश्य करने हैं। मैं बिना दर्शन किए वापिस नहीं जाऊंगा, ये मेरा दृढ़ निश्चय है। बेटा, सायंकाल का समय है, शीघ्र ही रात हो जाएगी, तुम मेरे साथ चलो। मेरी झोपड़ी यहाँ कुछ ही दूरी पर है, तुम चल करके पहले विश्राम करो, फिर वहाँ पर भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए रास्ता बताऊंगी। चलिए माता जी। ब्रह्मचारी और माई धर्मो कुटिया की ओर चल पड़े। कुटिया में पहुंचकर माई धर्मो ने ब्रह्मचारी को भोजन कराया। और वो इस प्रकार रात बिताकर अगले दिन जाने को तैयार हुए। बेटा, माता पार्वती इस झील पर स्नान करने के लिए आती हैं। वही आपको भोलेनाथ जी के दर्शन करवा सकती हैं। यही एक रास्ता है, इसके सिवाय और कोई रास्ता नहीं। ठीक है माता जी। ये सुनकर महायोगी ब्रह्मचारी माई धर्मों की कुटिया में 12 घड़ी बिताकर वापस मानसरोवर झील की ओर चल पड़े और झील पर पहुंचकर एक स्थान पर समाधि लगा ली। शिव शंकर त्रिपुरारी, तुम सबसे बड़े भंडारी, दो दान मुझे करुणा का, मैं आया शरण तुम्हारी। हे शिव शंकर त्रिपुरारी, तुम सबसे बड़े भंडारी, दो दान मुझे करुणा का, मैं आया शरण तुम्हारी। हे तीनों लोक के स्वामी, तेरा पार न को पाया, तुम हो प्रभु अंतर्यामी, है
सबसे बड़े भंडारी दो दान मुझे करुणा का मैं आया शरण तुम्हारी। तेरे द्वार पे जो भी आया तूने सबका संकट टाला। देवों के देव महादेवा है तेरा खेल निराला। बस एक तू ही है दाता ये जग सारा है भिखारी। दो दान मुझे करो मैं आया शरण तुम्हारी। हे शिव शंकर त्रिपुरारी तुम सबसे बड़े भंडारी दो दान मुझे करुणा का मैं आया शरण तुम्हारी। शिव शंकर दीन दयाला पूरण की जो मेरी आशा। दर्शन मोह देकर स्वामी हृदय में करो मेरे वासा। धीरान ध्यान तेरा लाए तेरे चरणों का है पुजारी। दो दान मुझे शरण तुम्हारी। हे शिव शंकर त्रिपुरारी तुम सबसे बड़े भंडारी दो दान मुझे करुणा का मैं आया शरण तुम्हारी। गौरा मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता हूँ। हाँ कहिए स्वामी जी। गौरा सोमवती अमावस्या द्वापर युग में आखिरी बार आ रही है जिसका स्नान बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अमावस्या में गंगा स्नान बहुत ही महत्वपूर्ण है और भाग्य उदय करने वाला है। यह समय फिर नहीं आएगा। मैं चाहता हूँ आप इस अमावस्या पर गंगा स्नान करने अवश्य जाएं। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। बेटा उठो बताओ तुम्हें क्या दुख है आप कौन हो। माता मैं शिव भगत हूँ और संसार के सभी भोग छोड़कर आया हूँ। मैं शिव भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ। हे माता आप ही मुझे भगवान शिव के दर्शन करा सकती हैं। नहीं तो मैं आपके चरणों में बैठकर अपने प्राण त्याग दूंगा। बेटे आप चिंता ना करिए मैं आपकी इच्छा पूर्ण कर दूंगी। आप मेरे पांव छोड़िए और शिव शंकर का ध्यान कीजिए। बेटा आप अपनी आंखें बंद कर लो और मेरे कहने पर ही खोलना।
बेटा तुम अपनी आंखें खोलो, जब तक मैं वापस लौट कर ना आऊं तुम यहीं खड़े रहना। जो आ गया माताजी। गौरा, क्या बात है, आज आप अजीब सी लग रही हैं और सेवा का ढंग भी अलग है। प्रभु, आप मुझे वचन दीजिए कि आप मेरा कहना नहीं टालेंगे। ऐसी कोई बात नहीं गौरा, जो आप कहना चाहती हैं साफ साफ निर्भय होकर कहिए। यदि आप वचन ही लेना चाहती हैं तो मैं वचन देता हूँ, आपका कहा नहीं टालूंगा। प्रभु, आज मैं झील पर स्नान करने के लिए गई हुई थी, वहाँ मेरा परिचय एक बालक से हुआ जो आपके नाम का सौदाई और सदा आपकी भक्ति में लीन रहता है। उसने मेरे साथ बड़ी जिद की है, मुझे भगवान शिव के दर्शन करवा दो, मुझे मेरे प्रभु के पास ले चलो, अन्यथा मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। हे प्रभु, उसका हट देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं उसे अपने साथ ले आई। गौरा, मैं सदा अपने भक्तों पर दयावान रहता हूँ, जो मेरे अपने सच्चे भगत हैं मैं उन पर कभी भी आँच नहीं आने देता और सदा ही मैं अपने भक्तों पर प्रसन्न रहता हूँ। अब आप उसे अंदर ले आएं। जो आज्ञा प्रभु। गुरुदेव प्रणाम। बेटा उठो, मैं आपसे अति प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या मांगते हो? हे भगवान, मैं आपके दर्शनों से अति प्रसन्न हूँ, आपने मुझे दर्शन देके सब कुछ ही दे दिया है। हे भगवान, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे निवेदन करूँ। आज्ञा है, कहो बालक, क्या कहना चाहते हो? भगवान, जिस बूढ़ी स्त्री ने मुझे दर्शन कराने की विधि बताई है, आप उसे भी दर्शन दे देना, उसका भी जीवन सफल हो जाएगा और मेरे मन को शांति मिलेगी। हाँ बालक, अवश्य चलो। से खाली है।
प्रभु, मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गई। आप स्वयं इस गरीब की कुटिया में आए। हे बेटा बालक जी, गुरुदेव, तुम कलयुग में बहुत प्रसिद्ध होगे और माई धर्मों में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त करेंगी। तुमने जो एक रात 12 घड़ी इनके घर में विश्राम किया है, इनके फलस्वरूप तुम्हें इनकी गौएं चरानी पड़ेंगी और चाकरी करनी पड़ेगी। जी गुरुदेव। राम पंडित जी। राम राम भाई, राम राम। कहिए कैसे याद किया? हमारे बच्चे की कुंडली बनानी है। आप बड़े भाग्यशाली हो जो आपके घर इस बच्चे ने जन्म लिया। ये मामूली बालक नहीं है, ये तो शिव भगवान का रूप है। मैं भविष्यवाणी करता हूँ, ये बड़ा होकर महान योगी बनेगा। अच्छा जी, मैं चलता हूँ। राम 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 राम। बालक, मेरी तुम एक बात सुनो। बोलिए माता जी। बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, हमारा जीवन बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा है। हम चाहते हैं कि अब तुम्हारा ब्याह कर दिया जाए। मेरी पूजनीय माता जी, मैं शादी नहीं करना चाहता। मेरे जीवन में गृहस्थ भाग्य का सुख नहीं है और मैं इस माया जाल में फंसना नहीं चाहता। मैं बाल ब्रह्मचारी बन के रहूंगा, मैं भगवान शिव का स्मरण करूँगा और मैं साधु संतों की सेवा करूंगा। आप मुझे शादी के लिए मजबूर ना करें। इसके अतिरिक्त मैं आपकी हर आज्ञा मानने के लिए तैयार हूँ। बेटा बालक, जरा इधर आओ, मेरी बात सुनो। माता श्री, मुझे पता है आप क्या कहना चाहती हैं। तो बेटा, इसमें बुरा ही क्या है? मैं सत्य ही तो कह रही हूँ। मैं चाहती हूँ मैं भी अपनी बहू का मुंह देखूं, मुझे भी थोड़ा सा सुख प्राप्त हो। माता जी, मैंने कह दिया तो कह दिया, मैं शादी नहीं करूँगा। बेटा, आजकल तो बहुत हट करने लगा है। अरे क्या बात है, माँ बेटे में किस बात का विवाद हो रहा है? मैं आपके लाडले को शादी के लिए मना रही हूँ और ये है कि शादी ना करने की हट पर अड़ा है। अब आप ही कहो कि मैं क्या गलत कह रही हूँ। हाँ हाँ भाग्यवान, आप सत्य ही कह रही हो। पिताजी, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? बेटा बालक, हम तुम्हारा भला ही चाहते हैं, इसमें अब समझने की क्या बात है। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ सत्य बोल रही है। पिताजी, मैं शादी नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा। आ, 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 आ,
क्या हुआ भाग्यवान, तुम उदास क्यों हो? क्या बताऊं, पूरा गांव छान मारा लेकिन बालक देव का अभी तक कोई पता नहीं। सुबह से शाम होने को आई है, अब तक घर नहीं लौटा। आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। भाग्यवान तुम चिंता मत करो, मैं जाकर पता लगाता हूँ। आप शीघ्र जाओ, हमारा पुत्र न जाने किस हाल में और कहाँ होगा। अरे बच्चा, तुम इतनी तेज धूप में कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले हो? मेरा नाम बालक देव है, मैं काम की तलाश में भटक रहा हूँ। क्या आप मुझे काम देंगे? बच्चा मेरे पास क्या काम है, मैं तो खुद ही अपनी गाय चरा लेता हूँ। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपकी गाय चरा लूँ, मुझे बदले में सिर्फ दो वक्त की रोटी चाहिए। ठीक है बच्चा, तुम आज से ही काम पे लग जाओ। सुबह होते ही सभी गैया इस स्थान पर चराने के लिए ले आना और शाम को वापिस घर ले आना। जो आज्ञा। ठीक है। शिष्यों यहाँ गहरी छा है, कुछ देर बैठ के यहीं आराम करते हैं। जो आज्ञा गुरुदेव। ये बालक जो गाय चरा रहा है ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो कोई सिद्ध पुरुष लगता है। शिष्य जो वो बालक गौएं चरा रहा है उसे बुला कर लाओ, मैंने उससे कोई जरूरी बात करनी है। जो आज्ञा गुरुदेव। हे बालक, आपको हमारे गुरुजी ने बुलाया है। चलो चलिए। प्रणाम गुरुदेव। बेटा तुम बड़े भाग्यशाली प्रतीत होते हो। बेटा तुम्हारे भाग्य में सिद्ध पुरुष के लक्षण दिखाई देते हैं, तुम दुखियों के दुख दूर करोगे। बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे शिष्य बनो और शिष्य बनकर ही रहो। हे ऋषिदेव, ये तो मेरा अहोभाग्य है, मैं तो कई वर्षों से आप जैसे मुनि का इंतजार कर रहा था। मैं आपका शिष्य बनने के लिए तैयार हूँ। Yeah.
बालक देव ने अपना गुरु दत्तात्रेय को मान लिया और उनके पास गुरु सेवा में जुट गए। वो बड़ी ही श्रद्धा से गुरु की सेवा करता और हर आज्ञा का पालन करता हुआ बड़ा प्रसन्न रहने लगा। इस प्रकार दत्तात्रेय ने पूर्णिमा के दिन उसे विधि अनुसार गुरु दक्षिणा देने का फैसला कर लिया। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, मुक्ति का कोई तू भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, आत्मा के साथ साथ मन कर ले, आत्मा के साथ साथ मन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, संगत करे अच्छे लोगों की, संगत करे अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, जिंदगी को अपनी चमन कर ले, चमन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, संतों की जग में है
यही निशानी। अच्छे वचन और मीठी हो वाणी, क्रोध खुद काया में दफन कर ले, क्रोध खुद काया में दफन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, जग के अंधेरों से बाहर निकल कर, अजमेर या तू हरि भक्ति पे चल कर, आत्मा से हरि का मिलन कर ले, आत्मा से हरि मिलन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, मैं बर्बाद हो गया, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरा सब कुछ नष्ट हो गया गुरुदेव, मेरा सब कुछ नष्ट हो गया। अरे बच्चा, साफ साफ कहो, रोना धोना बंद करो। हे गुरुदेव, मैं यज्ञ में शामिल होने के लिए अपने बच्चे के साथ जंगल से आ रहा था और एक राक्षस मुझसे मेरे बच्चे को छीन कर ले गया। गुरुदेव, वो मेरे बच्चे को मार कर खा जाएगा। गुरुदेव, मेरा और कोई सहारा नहीं है, आप मेरे बच्चे को बचा दो गुरुदेव, मुझे मेरा बच्चा चाहिए बस। हे गुरुदेव, मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा और इसका श्राप तुम पर लगेगा गुरुदेव, तुम पर लगेगा, मैं तुम्हारे सामने अपने प्राण त्याग दूंगा। बेटा, तुम रोना बंद करो, मैं आपके पुत्र को लाने की कोशिश करूंगा, तुम थोड़ी देर प्रतीक्षा करो। जाओ शिष्यों, जो राक्षस इसके बेटे को उठा कर ले गया है उसे लाने का प्रयत्न करो, और ध्यान रहे उसे जीवित ही लेकर आना। जो आज्ञा गुरुदेव। हे गुरुदेव, हमने पूरा जंगल छान मारा, ना इनके पुत्र और ना राक्षस का कहीं पता चला, और इसके बच्चे को ढूंढ कर लाओ। जो आज्ञा गुरुदेव, मैं इसके बच्चे को अभी ढूंढ ले आऊंगा। तुम साधु नहीं, पाखंडी हो, तुम्हारे जैसे लोग यह भगवा पहनकर नीच कर्म करते हैं और बदनाम अच्छे लोग होते हैं।
तुमने शेर का रूप धारण करके एक बच्चा उठा लिया है। मैं वो बच्चा वापिस लेने आया हूँ। मैंने कोई बच्चा नहीं उठाया। मैं ऐसा कर्म क्यों करूँगा? मैं तो धर्म कर्म करने वाला एक पवित्र साधु हूँ। मुझे लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। मैं अपने चिमटे से तुम्हारा पेट चीर कर वो बच्चा बाहर निकाल लूंगा। हे रुक जाओ। लगता है तुम्हारी मौत मेरे हाथों निश्चित है। तुम ऐसे नहीं मानोगे। आ गए ना अपनी औकात में। मैं कहता हूँ बच्चा मेरे हवाले कर दो, नहीं तो जान से जाओगे। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। चल मरने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे बख्श दो, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। हे गुरुदेव, मैं उस राक्षस को मारकर उसके पेट में से बच्चे को निकालकर जीवित कर आपके पास ले आया। बेटा बालक देव, आज से मैं तुम्हारा नाम बालकनाथ रखता हूँ। आज से तुम्हें अन्न छोड़ना होगा, केवल दूध पर ही निर्भर रहना होगा। बेटा आज से तुम्हें गौओं की सेवा करनी होगी। बेटा बालकनाथ, आज से तुम धर्म का प्रचार करो और तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। और इस प्रकार बालकनाथ साधु ही वस्त्र धारण कर यात्रा पर निकल पड़े और अनन्य तीर्थ यात्राओं के दर्शन कर सहतलाई पहुंचते हैं।